यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के सामने खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे बैंक कर्मचारी वेतन समझौता लागू करने की मांग को लेकर 2 दिन से हड़ताल पर है। इनकी मांगे है कि केंद्र सरकार वेतन समझौता लागू करे, साथ ही सातवें वेतन आयोग के मुताबिक अन्य विभागों को मिल रहे वेतन के अनुरूप इनका भी वेतन बढ़ाए। इलाहाबाद बैंक एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री गोपाल खन्ना ने कहा कि बैंक कर्मियों का वेतन सेवा शर्ती संबंधी द्विपक्षीय समझौता 5 वर्ष में होता है, लेकिन बैंक प्रबंधन व वित्त मंत्रालय की ढीलेपन के चलते ये समझौता लागू नहीं हो पा रहा। हम लोगों की सैलरी का जो समझौता है वो नवम्बर 2012 को हुआ था, उसके बाद में वो 17 में ड्यू हो गया। हर 5 पंचवर्षीय होता है हम लोगों का समझौता। उसमें पिछली बार जो हुआ था वो 15% हाइक हुआ था। इस बार गवर्नमेंट का कहना है, जब वार्ता का नंबर आया नवंबर 2017 को, तो उनका उसका सेटलमेंट होने का हुआ, बाईपास सेटलमेंट होता है हम लोगों का, तो उन्होंने ये कह दिया हम आपका खाली 2% हाइक करेंगे। इसके लिए IBA से वार्ता हुई, उन्होंने 2% से ज़्यादा करने को मना कर दिया कि बैंक के लॉस में। अगर आप सातवें वेतन आयोग की इसमें सिफारिश को देखेंगे तो एक अधिकारी की वेतन हमारे बैंक अधिकारी के वेतन से कई ज़्यादा है, लगभग 30,000 से 35,000 की उनकी जो स्टार्टिंग बेसिक पे है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम, और उनको 6th वेतन आयोग की जो सिफारिश थी और उसके कंपैरिजन में उनको लगभग 23.5% की बढ़ोतरी उनको दी गई है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा भी जो समझौता आगे हो उसमें भी बढ़ोतरी लगभग उतनी की होनी चाहिए। बैंक कर्मचारियों की इन 2 दिनों की हड़ताल के कारण आंकड़ों की माने तो जनपद मथुरा में करीब 500 करोड़ का लेन देन अटक गया। बैंक कर्मचारियों ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन लोगों की मांग नहीं मानी गई तो वह आगे फिर हड़ताल पर जाएंगे। गजेंद्र सिंह की रिपोर्ट, मथुरा से।